जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी में निकली ग्रुप सी के पदों के बारे में। तो इंडियन नेवी में ग्रुप सी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस भर्ती में कौन कौन से पदों पर वैकेंसीज निकली हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होगी, उनका सिलेबस क्या होगा और जो है वो फिजिकल टेस्ट क्या होगा, पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं वो कौन कौन से पदों पर निकली हुई हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, इन दो पद, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, ठीक है। तो अब इन्हीं पदों में क्या क्या आपके लिए जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, वो हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। तो फायर इंजन ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका जो पे लेवल होगा दोस्तों वो 3 होगा और 21,700 से 69,100 रुपए तक आपकी जो है वो पेमेंट होगी, ठीक है। अब ये कौन कौन सी कमांड में वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो ईस्टर्न नवल कमांड, वेस्टर्न नवल कमांड और अंडमान एंड निकोबार कमांड में जो है वो ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। प्लेस ऑफ यूनिट ऑफ पोस्टिंग ये है आपकी चिल्का, और ये बहुत सारे मुंबई, अंडमान निकोबार, काफ़ी सारे यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग के आपके लिए दी गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं दोस्तों, ईस्टर्न नवल कमांड में 17 वैकेंसीज हैं, वेस्टर्न कमांड में 8 वैकेंसीज हैं और अंडमान एंड निकोबार कमांड में हैं आपकी 11 वैकेंसीज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों फायरमैन की। तो फायरमैन का दोस्तों जो पे लेवल होगा वो होगा 19,900 से 63,200 तक, और ईस्टर्न कमांड में दोस्तों जो इसकी वैकेंसीज निकली हुई हैं फायर इंजन फायरमैन की वो 113 हैं, साउदर्न कमांड में 22 हैं और अंडमान निकोबार कमांड में 49 वैकेंसीज निकली हुई हैं, ठीक है। तो किस किस पद पे कौन कौन सी कमांड में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी वो भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपके लिए बता दूँ कि इस भर्ती में आपके लिए अप्लाई करने की जो है वो लास्ट डेट क्या है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दी गई है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन द एप्लीकेशन। तो जो आपकी लास्ट डेट होगी दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट करने की वो होगी 18 जून। यानी कि 18 जून क्यों है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो न्यूज़पेपर है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, ये 18 से 24 जून तक निकला हुआ है और इन्होंने बोला है कि न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के अगले दिन से ही 60 डेज के अंदर आपको जो है आपकी एप्लीकेशन हमारे लिए भेजनी होगी, ठीक है। चलिए, तो ये एप्लीकेशन आप भेज सकते हैं दोस्तों इनके लिए 17 अगस्त तक, ठीक है। तो 17 अगस्त तक आप इन एप्लीकेशन को फिलअप करके भेज सकते हैं। और आपको बता दें कि ये जो वैकेंसीज हैं दोस्तों वो मेल के लिए हैं, और इन वैकेंसीज में दोस्तों आप ऑल इंडिया ऑल क्लास वैकेंसी हैं, मतलब आप किसी भी कास्ट से संबंधित हैं और आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं इंडिया में, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो फायर इंजन ड्राइवर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो आपके लिए 10th पास होना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों मस्ट हैव एटलीस्ट 3 ईयर्स एक्सपीरियंस फॉर ड्राइविंग ऑफ हैवी व्हीकल्स, ठीक है। तो आपके पास में 3 ईयर्स का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग ऑफ हैवी व्हीकल्स, और आपके पास में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। उसके बाद में है दोस्तों मस्ट हैव फिजिकली फिट एंड कैपेबल टू परफॉर्म स्ट्रेनियस ड्यूटीज एंड मस्ट हैव पास द टेस्ट स्पेसिफाइड ब्लू, तो आपके लिए फिजिकली फिट होना जरूरी है तभी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो है दोस्तों वो आपकी 165 सेंटीमीटर ली जाएगी, चेस्ट आपके लिए जाएगा 81.5 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक। मिनिमम वेट आपको होने चाहिए दोस्तों 50 kg, और इंडोरेंस टेस्ट भी होगा जिसमें आपके लिए दोस्तों कैरिंग ए मैन, यानी कि एक मैन के लिए जो है वो कैरी करना पड़ेगा जिसका वेट होगा करीब 63.5 kg, और आपके लिए ये जो वेट है वो 183 मीटर विथ इन 96 सेकेंड में जो है वो कैरी करना होगा, मतलब 183 मीटर आपके लिए एक 63 kg वजन के लिए 96 सेकेंड में कंप्लीट करना होगा, यानी कि कैरी करना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में दोस्तों चलते हैं हम आगे, यहाँ पर है फायरमैन। तो फायरमैन के पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आपकी 10th पास। उसके बाद में मस्ट है फिजिकली फिट आपको होना जरूरी है। हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 81 से 85 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 kg,
से कम नहीं होना चाहिए। और इंडोरेंस टेस्ट में 63 kg वेट के लिए आपको 183 m 96 s में आपको जो है वो क्लियर करना होगा। उसके बाद में क्लियरिंग 2.7 m बाय डिच, तो आपके लिए एक 2.7 m चौड़ा जो गड्ढा होगा उसको आपको क्लियर करना होगा। और आपके लिए क्लाइंबिंग 3 m वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट, तो आपको हाथों और पैरों की मदद से 3 m जो है वो वर्टिकल रोप भी, यानी कि एक रस्सा होगा जो कि किसी पेड़ में या फिर किसी ऑप्टिकल में ऊपर बंधा होगा, उसको आपको 3 m तक चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, मैंने बता दी, डॉक्यूमेंट्स आपको सब कुछ पता ही है क्या क्या लगाने हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेचर ऑफ ड्यूटीज तो आपको पता ही है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी जो एप्लीकेशन आपको भेजना है दोस्तों, वो भेजना है आपको इस पते पर, ठीक है, ईस्टर्न नवल कमांड, वेस्टर्न कमांड और यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी दोस्तों जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको भेजनी होंगी कहाँ पर, इस पते पर, ठीक है। ये जो पता है आपके लिए सभी एप्लीकेशंस इसी पते पर भेजनी है, ठीक है, आपके लिए यहाँ नहीं भेजनी है कमांड में, मैंने वो गलती से बता दिया है आपके लिए। तो आपकी जो एप्लीकेशन है दोस्तों उस पर आपका पता होगा, द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर SOCRC हेडक्वार्टर ईस्टर्न नवल कमांड यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स 2nd फ्लोर नवल बेस विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है, पिन है आपका 530014। तो इस पते पर जो है आपके लिए अपनी एप्लीकेशन भेजना है। और ज़्यादा डिटेल के लिए इस न्यूज़पेपर के लिए मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जहाँ से आप एप्लीकेशन का फॉर्मेट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, पूरी की पूरी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हाउ टू अप्लाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक है। द एप्लीकेशन शुड बी इन प्लेन A4 साइज पेपर, गुड क्वालिटी पेपर शुड बी यूज्ड, तो आपका एक A4 साइज का प्लेन पेपर लेना है, गुड क्वालिटी का, एदर नीटली हैंड रिटन और टाइप्ड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, तो आप हाथ से भी लिख सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपके एक पासपोर्ट साइज का फोटो, कलर फोटो होना जरूरी है, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, द इनवॉल्व मस्ट बी क्लियरली सुपरस्क्राइब ऑन द टॉप एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नेम ऑफ पोस्ट आ जाएगी यहाँ पर बाई ट्रांसफर, ठीक है। इस तरह से आपके लिए जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर लिफाफे के ऊपर लिखना है। और आपकी जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो भी नीचे यहाँ पर दिया गया होगा, तो इस फॉर्मेट के लिए भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट जिसके लिए आपको टाइप करना है या फिर हाथ से लिखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, उम्मीद करते हैं आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी ले चुके होंगे, तो जो भी एलिजिबल हैं इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।